शेरपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो खाद्य तेलों में आपकी क्या रहेगी? खाद्य तेलों में अभी क्या करके चलना सही रहेगा और कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी आगे जाके? देखिए, खाद्य तेलों में अभी फिलहाल जो है, मेरे हिसाब से बाइंग को तो अवॉइड करना चाहिए, लंबी पोजीशन अभी फिलहाल इसमें नहीं बनाना चाहिए। सोयाबीन में जरूर एक थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं उसके चलते छुटमुट बाइंग जो है आ सकती है, 100-200 पॉइंट का तेजी जो है सोयाबीन करंट लेवल से दिखा सकता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक में अगर ऊपरी स्तर आते हैं तो वहां पर बिकवाली की रणनीति लेकर चलना चाहिए। जी,